एसआर में एक अनोखा और वीडियो हम आपको देने वाला हूँ। नाइट राइड करने वाला हूँ और रात में कैसा है व्यू पॉइंट वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पर अयोध्या शहर का। और आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं कवर करने वाला हूँ रात का। और आज तो बंदी थी और मंदी की वजह से बहुत सारी जगह हम लोग नहीं जा पाए। चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह का है। ये है राम की पैड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मार्केट भी समझ लो कि लगता है यहाँ पर खाने पीने का। और बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट जो कि आप देख के आप खुद जज कर सकते हो किस तरह के रात में अयोध्या दिखती है। भाई साहब कितना बढ़िया लग रहा है, आप देखो ना, बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटिंग की गई जिसके वजह से ये और भी अच्छा लग रहा है। आप देख के तो भाई साहब दिल एकदम खुश हो गया। और चारों तरफ से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हम, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार हम वाइड एंगल से हम आपको व्यू पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मैं वीडियो में दिखाया था आपको राम की पैड़ी वाले वीडियो में। और ये देखो चारों तरफ से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आप देख के फील कर सकते हो किस तरह का है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ज़रूर आना। अभी तो मैं राइड स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ये झलक दिखा रहा हूँ। और ये देख लो, वीडियो देखिए। अयोध्या शहर में रात में घूमने का मज़ा ही अलग लेवल का है। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी लाइटिंग है, कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये देखो। तो आओ तो यहाँ पर ज़रूर आओ यार। रात की मैं बात करूँ तो अगर रात में अगर आप अयोध्या यहाँ नहीं आए तो यार मतलब कि मज़ा नहीं आएगा। तो अयोध्या आओ, यहाँ आओ, ज़रूर आओ। ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया है, लाइटिंग अच्छी की गई है, फ़ोटो बहुत अच्छा निकलेगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर जो बैठ के आप किसी के साथ बातें करेंगे, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो, कि कोई भी हो, तो मतलब एक अच्छा फील होता है, शांति है। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब कि बातें वातें कर सकते हैं। और मतलब अकेले भी हैं तो आके यहाँ पर एक शांति का एक अनुभव ले सकते हैं। कोई चहल पहल ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो इसी एक घाट पे लोग सोते भी हैं, जाहिर बात है हर जगह साफ सफाई है, खाली है, तो भाई सोएंगे ज़रूर, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसे नहीं रहते हैं कि वो होटल में स्टे कर पाएँ। और बाकी तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बताया था ना कि आज मार्केट थोड़ा बंद है आज के समय में, सॉरी हर बुधवार को यहाँ मार्केट बंद रहता है, शायद दो दिन बंद रहता है, एक दिन बंद रहता है, शायद एक दिन बंद रहता है, तो इसलिए बहुत सारी शॉप बंद है। और फिर भी रात का नज़ारा देखो कितना बढ़िया है अयोध्या शहर का। नाइट में घूमने का अलग ही लेवल है। अलग मार्केट जब चालू होता तो और भी भीड़ भाड़ होती, काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन फिर भी बढ़िया है, बढ़िया। और लाइट वाइट लगी है, लाइट वाइट में कोई कमी नहीं है, रोड पे लाइट हैं, आप देखोगे कि लेफ्ट और राइट में लाइट्स हैं। ये देखो तुलसी उद्यान, थोड़ा सा और इम्प्रूव करना होगा अयोध्या को अगर टूरिज़्म का बढ़ावा देना होगा तो। जैसे कि होता क्या कि मेन चीज़ है कि लाइटिंग चाहिए। लाइटिंग की मैं बात करूँ तो अगर लाइट अच्छा रहता ना तो मतलब कि अगर कोई घूमने आ रहा है, रात को स्टे कर रहा है, तो अगर लाइट मीटिंग अच्छी है, फ़ोटो टो सेशन करता है या फिर वीडियोस बनाता है, तो एक अनुभव अपना शेयर करता है वो, तो लोग क्या करते हैं रात को भी रुकना पसंद करने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे अभी देखो यहाँ पर लाइटिंग इम्प्रूव करना ही होगा अगर टूरिज़्म को बढ़ावा देना होगा तो, टूरिज़्म को बढ़ावा देना होगा तो उत्तर प्रदेश अयोध्या में। और देखो कितना बढ़िया है ना। तो अभी चल रहे हैं मेन सिटी, हालांकि मेन सिटी में ही हैं हम लोग। और यहाँ पर एक कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बंदर, बहुत सारे बंदर हैं। आप अपने सामान का सुरक्षा करें, जो भी फोटो ला रहे हैं उसका सुरक्षा करें, खाने पीने के सामान ला रहे हैं तो भी आप संभल के आए जाएं कहीं भी। और यहाँ पर खाने पीने के रेट बताऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे ढाबा मिल जाते हैं जहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं। 60 रुपये से प्लेट से शुरू,
₹60 प्लेट से शुरुआत है और 120-150 रुपये तक जाती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खा रहे हैं, कौन सी क्वालिटी के खा रहे हैं। हालांकि क्वालिटी तो अच्छा है, मैंने खाया और टेस्ट किया हूँ। और ये सब देखो मार्केट है, काफ़ी चहल पहल मार्केट में है। हालांकि आज बंदी है, अगर बंदी नहीं रहता तो और भी अलग ही लेवल का मतलब चहल पहल होता। और यहाँ से आप हनुमान गढ़ी जा सकते हैं, दशरथ भवन जा सकते हैं, कनक भवन जा सकते हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं सीधे और भी अयोध्या का टूर आपको दिखाते हैं नाइट का। नाइट में घूमने का मज़ा तो हर एक शहर का अलग ही होता है। यहाँ पर ई रिक्शा भी चल रहा है, ये तो अच्छी बात है। नाइट में घूमने का मज़ा बहुत अच्छा होता है। अभी देखो शॉप्स बहुत सारे बंद हैं। ओह हेलमेट के यहाँ पर यूज़ कम लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत बात है। अभी यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी उतना मतलब कि कड़ाई से नहीं लेती है। देख सकते हो एकदम अलग लेवल का है, शॉप सब बंद है, लाइट्स है साइड साइड, बीच में रोड, और एंजॉय करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। ये देखो कुछ है, हाँ बिड़ला धर्मशाला है, ये आपको दिख जाता है यहाँ पर। और भी आगे चलते हैं। तो अयोध्या का ये नाइट राइड है, और दिन का भी वीडियो मैं लाऊंगा, अयोध्या का दिन के नज़ारे या फिर अयोध्या शहर के नज़ारे के नाम से आएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन ये रास्ता जाती है, चलो चलते हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन। चलो अयोध्या के रेलवे स्टेशन पे चलते हैं। देखो ये रोड जाती है अयोध्या रेलवे स्टेशन। हो नाइट में घूमने का मज़ा हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी रात का समय है, सोच रहे हैं थोड़ा सा अयोध्या रेलवे स्टेशन चलते हैं। अयोध्या जंक्शन, तो अयोध्या जंक्शन ये देखो अयोध्या जंक्शन, अलग ही लेवल, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने रेलवे स्टेशन देखा, जो कि अच्छा रेलवे स्टेशन है। और अभी थोड़ा सा और सिटी राइड करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बात किया जाएगा। तो थोड़ा और चलते हैं आगे। ये देखो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। और कुछ और आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारी शॉप्स बंद है तो मज़ा नहीं है मार्केट में। फिर भी हम सोच रहे हैं नाइट राइड को थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अयोध्या में भी अभी टूरिज़्म का बढ़ावा उत्तर प्रदेश सरकार अगर करे तो अच्छी बात है, थोड़ा लोग आए यहाँ पर देखें, बहुत अच्छा अच्छा फील होता है भाई साहब। पुरानी चीज़ों को देखने को मिलता है, और जो सत्य है वो चीज़ें देखने को मिलता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे श्री राम जी की जन्मभूमि है, दशरथ महल है, ये आपका क्या बोलते हैं सीता की रसोइयाँ है, बहुत सारी चीज़ें जो सच मतलब कि सत्य है कि है, वो यहाँ पर है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर अच्छे से घूमना है तो कम से कम 2 या 3 दिन आपको देना पड़ेगा, तब आप अच्छे से घूम सकते हैं। अभी ये भी देखो काफ़ी अच्छा है, टेढ़ी बाजार चौराहा मोहब्बरा बाजार। अब जैसे ये देखो लगा है लाइट्स का जो पूरा नीचे का पोर्शन है बीच वाला, वो उसमें पूरा एकदम झालर लगा है, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे, काफ़ी लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि रात में ज़्यादा रात का ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट्स वाइट्स हैं ठीक है लेकिन उतना नहीं है, थोड़ा सा लाइटिंग की कमी है। लेकिन अगर लाइटिंग थोड़ा सा और हो जाए और इम्प्रूव हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो अयोध्या सर काफ़ी अच्छा हमें लगा, आप लोग बताओ आप लोग ने देखा, काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। हालांकि अभी जो दिन का वीडियो डालूंगा वो और भी नेक्स्ट लेवल का होगा,
और रात में तो अभी उतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो भी है बढ़िया है, बढ़िया कह सकते हैं, बढ़िया। और पूरा अयोध्या तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा अयोध्या कवर करने के लिए काफ़ी समय चाहिए और उतना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, हमें 6-7 दिन का वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसको कवर भी नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे हैं कि वीडियो लंबा ना करें, मैं जो मेन सिटी वो कवर किया, बस वीडियो यहीं पर हम सोच रहे हैं आप एंड करें, सोच रहे हैं यहीं पर घुमा लें गाड़ी को अपने, यानी बाइक को। तो चलो यही सब है अयोध्या के रात के नज़ारे। वीडियो बताना कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, नए मेहमान होते चैनल को सब्सक्राइब करना। रेलवे स्टेशन भी हमने रात को दिखाया कि कैसा है, और दिन का अभी आने वाला नेक्स्ट ट्रेवल का वीडियो होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।